महाशिवरात्रि के दिन उत्तम नगर वार्ड 28S में समाज सेवक संजय अग्रवाल के द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोग भी वहां उपस्थित हुए। खास कार्यक्रम में संजय अग्रवाल और उनकी टीम के द्वारा कार्यक्रम में आए सभी लोगों को शॉल भी वितरण की गई। सभी लोगों ने समाज सेवक संजय अग्रवाल का शुक्रिया भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए उत्तम नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश वाल्यान, जिन्होंने इतने बेहतरीन कार्यक्रम के लिए संजय अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई दी और साथ ही साथ आप पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं आपको बता दें कि मंच का संचालन विनोद जिंदल ने किया, जिन्होंने बहुत ही खास तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभाया। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तम नगर विधानसभा से आप पार्टी के अध्यक्ष दीपक आनंद हनी भी उपस्थित हुए। इनके अंदर बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार, करप्शन, क्या क्या चीज ऐसी है जो इन लोगों ने कंसोलिडेट ना की, और इस बार लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, और 100% लगभग 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। जैसे 2015 में आम आदमी पार्टी का तूफान था, वही निगम के अंदर भी तूफान है इस बार। और पिछले जितने भी निगम पार्षद जो पहले बने, तो बीजेपी ने सबकी टिकट काट दी 2017 में पुराने लोगों को, कि भाई इनकी छवि ठीक नहीं है। राजनीति में छवि ठीक ना होने का क्या मतलब होता है? केवल एक ही मतलब होता है कि ये लोग चोर हैं। उसके बाद नए लोगों को ले आए, नए लोग, पहले वाला अगर मान लीजिए एक मकान के एक लेंटर के 1,00,000 रुपए ले रहा था, नए आए, नए उन्हें 2,00,000 रुपए शुरू कर दिया। पुराने वाले चोर थे, नए वाले डकैत आ गए। अब फिर कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी भी टिकट काट रही है। अब मेरे को पता नहीं चोर डकैत इससे ऊपर क्या क्या वर्ड होता है, लुटेरे हैं, क्या कहें। तो ये बीजेपी की, कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस का एमएलए जो पुराना एमएलए था, लोगों को बुला रहा है अपने ऑफिस में, अपने घर में, और हाथ जोड़ रहा है कि भैया तू चुनाव लड़ ले, तू चुनाव लड़ ले इस वार्ड से। एक मतलब सब वार्डों के अंदर ये हालत है। कल उसने एक किसी जानकार का मेरे पास टेलीफोन आया, तो उसने कहा कि भाई साहब, उसने कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक ने मेरे को बुलाया था और बोला अंदर कमरे में लेके गया और बोले लिटरली बोले मेरे पैरों के हाथ लगा दिया कि मेरी इज्जत रख ले, इस बार चुनाव लड़ ले आना उस वार्ड से। तो आज इतनी बुरी स्थिति, कांग्रेस की को कैंडिडेट टिकट मांगने वाला नहीं है। ये सब एक बात बताइए, 840 के आसपास शराब की दुकानें थी, नई पॉलिसी लेके आए हैं उसमें 4 दुकानें कम हैं, उसमें शायद 436 दुकानें हैं, 836 दुकानें, 4 दुकानें कम हैं। सिर्फ मतलब इन लोगों को शोर मचाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जितनी दुकानें पहले थी उससे भी कम अब दुकानें हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास, किस मुद्दे पे राजनीति करे, किस मुद्दे पे अपने। अच्छा एक बात, ये निगम का चुनाव है, हमने पिछले अपने 2020 के चुनाव में स्टेज पे खड़ा होकर छाती पे हाथ मार के ये कहा कि भाई ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड को अगर आपको लगता है कि ठीक है, हमने ईमानदारी के साथ आप लोगों ये काम किए हैं, तो आप वोट डालना आम आदमी पार्टी को, वोट डालना। तो बीजेपी के अंदर निगम के क्यों नहीं कह रही बीजेपी कि ये हमने काम किए, निगम पार्षद ये क्यों नहीं कह रहा, मेयर ये क्यों नहीं कह रहा, प्रदेश अध्यक्ष ये क्यों नहीं कह रहा कि निगम के अंदर हमने बेटर काम किए हैं इसलिए आप हमारे को वोट दो? नहीं कह रहे ना ये आम आदमी पार्टी। देखिए अगर मान लीजिए निगम पार्षद और एमएलए एक पार्टी का होगा तो निसंदेह क्षेत्र के अंदर ज्यादा काम होगा, कि किसी के पास बहानेबाजी नहीं बचेगी। कोई मेरे पास आता है, कोई कहता है जी नाली साफ नहीं हुई, सड़क झाड़ू नहीं लगी, ऑटो टीपर नहीं है, मैं कहता हूँ निगम पार्षद का काम है। अगर निगम पार्षद और एमएलए दोनों एक पार्टी के होंगे तो निसंदेह उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा काम होंगे। निगम पार्षद के काम कार्यालय से एमएलए के काम भी हो जाएंगे और एमएलए के ऑफिस से जो है निगम पार्षद के भी काम हो जाएंगे, तो निसंदेह काम। देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी अगर मान लीजिए किसी वार्ड से 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, अब चुनाव तो किसी एक को लड़ना है और एक को लड़ना है और वो उसकी मदद करे, वो पार्टी ने डिसाइड करना है कि पार्टी ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये क्या नाम कैंडिडेट बेटर है तो लग के उसके साथ मदद करे। सारी पार्टियों में होता है, देखिए जो भी आदमी राजनीति में है उस हर आदमी को अधिकार है कि टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का। मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक की कह रहा हूं मैं, और बड़े से बड़ा नेता, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन टिकट एक को मिलेगी, जिसको भी मिलेगी उसके आम आदमी पार्टी है और उसको सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। हाँ मैं संजय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई, इतनी बड़ी संख्या में आज लोगों को आपने जोड़ा है और इतनी लगभग शायद मैं 1 घंटा लेट भी हूँ, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें और बुजुर्ग साथी बैठे हैं, तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। संजय जी को भी बहुत बहुत बधाई और सारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, पार्टी जो फाइनल करेगी उसका चुनाव। सबसे पहले तो मैं संजय भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि संजय भाई ने इतना बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम रखा है, और जो पब्लिक मैं देख रहा हूँ कि मतलब सुबह में मेरे ख्याल से 11 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक टूट नहीं रही है यहाँ पे, मतलब रेगुलर इतना प्यार संजय भाई को ये करते हैं और लगातार ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि संजय भाई के लिए ये पब्लिक सुबह से बैठी हुई है।
ये पब्लिक कोई ऐसे बुलाई हुई पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक संजय भाई के प्यार के लिए आई है। मैं चाहता हूँ संजय भाई का बस इसी तरीके से प्यार, जिस तरीके से ये समाज सेवा पूरे अपना करते आए हैं पूरी, उसी तरीके से चाहे वो कोविड काल रहा हो, चाहे वो किसी विधवा बहन की बेटी की शादी का रहा हो, चाहे वो किसी को दवाई का मुहैया कराना रहा हो, या मैं संजय भाई का एक बार मैं जीवन परिचय देख रहा था तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी वो मैं देखता नहीं हूँ जहाँ पे संजय भाई का नाम नहीं आता। संजय भाई चाहे अग्रसेन समाज से रहे हों, चाहे अग्रवाल समाज में, चाहे पंजाबी समाज में, चाहे किसी भी समाज से हम ले लें, उस समाज में हर एक समाज में संजय भाई कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जिन्होंने इतना प्यार मुझे दिया और इतनी भारी संख्या में जो हमारे लिए आए, सबका धन्यवाद। सब भोले बाबा की कृपा है जी, हमारा तो प्रसाद और मित्रा ने इसलिए मंगाया है। देखिए ये प्यार और सम्मान जनता का मन में है संजय भाई के लिए और हमारे विधायक के लिए। उत्तम नगर की जनता आज नहीं पिछले 7 साल से हमारे विधायक जी को और संजय भाई को बड़े मन से चाहती है। ये शिवरात्रि का कार्यक्रम संजय भाई हर साल करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी व्यवस्था हमने इसको विशाल रूप दे दिया और जनता का जो प्यार है वो आपके समक्ष है। ये कोई पैसे के बल पे बुलाई जनता नहीं है, ये मन से आई जनता है और शिवरात्रि का महोत्सव है। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले हर साल में इससे बढ़ चढ़कर हम कार्यक्रम कर सके।